पापा जी ये बहन सावित्री देवी, इन लोग तुम इधर आ जाओ। हाँ। ये बहन सावित्री देवी तरिया से आई हैं। हाँ। इन बहन के ये लड़के शादी के लिए जिक्र करते थे, माँ बाप से झगड़ा कर देते थे, ये घर से बाहर भाग गए थे। जब इन्होंने सोचा कि आज ये लड़का मेरा शादी के लिए झगड़ा कर रहा है, माँ बाप से झगड़ा कर रहा है, घर से बाहर भाग गया है, ये बहन जो पास्टर राजकुमार मनिष्ठी यहाँ का प्रेयर टावर का नंबर है, ये बहन प्रेयर टावर के नंबर पे फोन की। फोन करने के बाद प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के बाद इनके लड़के वापस घर चले आए। देने वाला बनाएगा, बोले वाला बनाएगा, देने वाला बनाएगा। हालेलुया। जा सुन इसको, इसको इसको सुन मेरे बात को। परमेश्वर तेरे बेटे को रिश्ता दे रहा है, जा अपने बेटे को शादी कर देना, तो ब्लेस हो गए। हालेलुया। पापा जी ये बहन भागवती देवी दहाउर से। हाँ। इन बहन को 15 साल से शैतानी हरकत थी, काफी ये मजार से लेकर सोखा के पास गई, कहीं से इनको आराम नहीं मिला। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज ये शैतानी हरकत से आजाद हो गई है। हालेलुया। जी पापा जी, जी पापा जी, इस बहन का बेटी का नाम है रोशनी। इधर दिखा ना, किधर वॉलंटियर ध्यान दे रही है, ये देखो। इस बहन का बेटी का नाम है रोशनी, और इस बच्ची को पूरे शरीर में खुजली हो गया था, पूरे शरीर में खुजली हो गया था और ठीक नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे आई आपसे प्रार्थना कराई, अब ये बहन की बेटी आजाद हो गई खुजली से। ओके ओके। हालेलुया। पापा जी ये मत ढीलो, अपने जगह मत छोड़ो, अपने जगह पर रहो, अभी जब तक मैं गवाही ले रहा हूँ अपनी जगह पर, उसके बाद। हालेलुया। पापा जी ये मुकेश कुमार जी। हाँ। इस भाई को आज 2 महीने से बवसीर की बीमारी थी। हाँ, हाँ, हाँ। 2 महीने से बवसीर की बीमारी थी, ये यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज ये बवसीर से आजाद हो गए। तालियां बजाएं। जी पापा जी, इस बहन का नाम राधिका है और घर सिधवलिया है। हाँ। और इस बहन का 2 महीने से पूरे शरीर में दर्द करता था, ठीक नहीं हो पाती थी, और यहाँ पे आई आपसे प्रार्थना कराई, अभी ये बहन दर्द से आजाद हो गई है। ओके ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। पापा जी ये बहन इसरावती देवी, इस बहन को 3 महीने से पेट में दर्द रहता था, दवा खाती थी आराम नहीं होता था, ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज ये बहन दर्द से आजाद हो गई है। हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन का नाम इसरावती है और घर खोताहुआ है, और इस बहन को सहेली के भाई को ऑपरेशन हुआ था और ठीक नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे आई प्रार्थना कराई, अभी वो ऑपरेशन कराए हुए जगह ठीक हो गया है। ओके ओके। हालेलुया। पापा जी ये बहन सनम मिश्रौली जन्म टोला से आई, इस बहन को 4 साल से पैर में दर्द रहता था। हाँ। 4 साल से दर्द रहता था, ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज ये बहन दर्द से आजाद हो गई है। पापा जी ये बहन गुड़िया देवी नरेनापुर से। इन बहन को 5 महीने से घर में शैतानी हरकत थी, ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज ये बहन शैतानी हरकत से आजाद हो गई है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन का नाम शालू है और घर तरकुलहा थाना है, और 1 महीने से हाथ में दर्द करता था, ठीक नहीं हो पाती थी, और यहाँ पे आई आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई, वो हाथों के दर्द से आजाद हो गई है। ओके ओके। हालेलुया। पापा जी ये बहन उषा देवी जमुनी से आई है। इन बहन को 4 साल से बवसीर की बीमारी थी, ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज ये बहन बवसीर से आजाद हो गई है। ओके ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। पापा जी ये बहन अमृता
रामकोरा परोरहा से आई हैं। हाँ? इन बहन को आंख में काफी दिनों से दर्द होता था, आंख का पर्दा फट गया था। दो बार ऑपरेशन हो चुका था लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कभी ठीक नहीं होगी। ये बहन काफी परेशान थे कि मैं इस उम्र में क्या करूंगी जब मुझे दिखाई नहीं देगा। पापा जी जब ये बहन यूट्यूब पे देखी पास्टर राजकुमार मनिष्ठी गुबरहिया, जब ये बहन यहाँ के बारे में देखी, देखने के बाद आई, आने के बाद आपसे प्ले हैंड प्रेयर कराई, आज ये बहन बिल्कुल तरीके से आजाद हो गई है। हालेलुया जी पापा जी। इस बहन का नाम अशांति देवी है और घर मनियारा कोठी है और 5 साल हो गया था इस बहन को पति बाहर गए थे, वो इनसे बात करते हुए 5 साल हो गया था और यहाँ पे आई आपसे लेहन प्रार्थना कर रही है। अभी इनका पति इनसे बात कर रहे हैं और ये साथ ही आए हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये बहन सुधा देवी बेलवा कटकुइया से। इन बहन को 3 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। 3 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे ले हैंड प्रेयर करा के गई, जाने के बाद आज ये बहन बच्चे के साथ ब्लेस हुई है। इधर दिखा इधर। हालेलुया जी पापा जी। इस बहन का नाम सुनीता देवी है। जी पापा जी, इस बहन का नाम सोनीता है और घर बेलवा कटनवार है और इस बहन को एक हफ्ता से कान में दर्द करता था, ठीक नहीं हो पाती थी और यहाँ पे आई और आपसे लेहन प्रार्थना कराई और कानों के दर्द भी अच्छा हो गई है। तेरा बच्चा फले फूलेगा जा। हालेलुया पापा जी। ये भाई पृथ्वीनाथ जी, ये भाई 20 साल से नशा करते थे, गुटखा खाते थे, सुरती खाते थे। ये यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज नशा से मुक्त हो गए हैं। ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया जी पापा जी। इस बहन का नाम सुगंधी है। हाँ? और घर बरवा रतनपुर है। हाँ? कुशीनगर। और इस बहन का देवर 2 साल से विदेश नहीं जा पा रहे थे और यहाँ पे आपसे लेहन प्रार्थना कराएं। इनके बहन का देवर विदेश जा चुके हैं और उसकी दासवंश लेकर आई है। हालेलुया पापा जी। ये जगदीश पाल जी रामपुर परगना से आए हैं। इन भाई 4 महीने से इनका पैर सर रहा था। 4 महीने से इनका पैर सर रहा था। ये यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज पैर से बिल्कुल आजाद हो गए हैं। ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया जी पापा जी। इस बच्चे को शिवम नाम है। हाँ? और घर मलोहा है। हाँ? और इस बच्चे को 10 साल से सिर में दर्द करता था, वो ठीक नहीं हो पाता था, यहाँ पे आई और आपसे लेहन प्रार्थना कराई और सिर के दर्द से अभी आजाद हो गया है। ओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया पापा जी। ये बहन मंजू देवी। हाँ? मैरवा बिहार से आई है। हाँ? हाँ? इन बहन के खेत में मोटर से पानी चल रहा था। ये बहन जब मोटर दिखने गई तो इनको लाइन मार दिया। जब लाइन मार दिया ये बहन गिर गई। गिरने के बाद जब इन्होंने प्रेयर टावर के नंबर पे फोन किया, जब प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के बाद ये बहन चंगी हो गई। हालेलुया पापा जी। इस बहन का नाम सपना है और 3 दिन से इन बहन के देवर की बेटी को जो दूध नहीं पीती थी और यहाँ पे आई, पापा जी आपसे प्रार्थना कराई और इनके बहन की बेटी जो दूध पी रही है यीशु मसीह के नाम से। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। फास्ट फास्ट पहले से रेडी। हालेलुया जल्दी से ले लेना पापा जी। ये बहन प्रतिमा देवी रामपुर से। इन बहन को 1 साल से नींद नहीं आती थी। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज ये बहन बिल्कुल आजाद हो गई है। ओके ओके जोर से। हालेलुया जी पापा जी। इस बहन का नाम चांदमती देवी है और घर गोपालगंज है और 10 साल से सिर में दर्द करता था, ठीक नहीं हो पाती थी और यहाँ पे आई आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई और सिर के दर्द से अभी आजाद हो गई है। ओके ओके नेक्स्ट। हालेलुया
पापा जी ये बहन शकुंतला देवी, हाँ। ये बहन गवाही देने के लिए गोरखपुर से आई हैं। हाँ, हाँ, हाँ। इन पति, इन बहन के पति को 3 साल हो गया था बाहर गए हुए। हाँ, हाँ। न घर आते थे न कोई बात करते थे, फोन पे बात भी नहीं करते थे। हाँ, हाँ, हाँ। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैं प्रार्थना कराई, आज इस बहन के पति घर आ गए हैं। ओके ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, हालेलुया फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर। जी पापा जी, इस बहन का नाम दुर्गावती देवी है और घर खुशी नगर है। इस बहन को बच्चे को जो 5 साल से बाहर नहीं जा पाते थे, वो परेशान होती रहती थी, कहीं से बहुत गलत चक्कर में फंस गए थे और यहाँ पे आए और आपसे लेहन प्रार्थना कराए। अभी ये बहन के बेटा जो बाहर जा चुका है, हालेलुया जी, हालेलुया। पापा जी ये बहन निर्मला देवी, हाँ। चौरी चौरा से आई हैं। हाँ, फास्ट, इन बहन को 25 दिन से इनके तीनों बच्चे का काफी तबियत खराब हो रहा था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैं प्रार्थना कराएं, आज बहन के बच्चे बिल्कुल डर से आजाद हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, ब्लेस। हालेलुया। पापा जी ये भाई राधे श्याम सी, राधे श्याम राजभर, ये 2 साल से सोचते थे गाड़ी लेने के लिए। आहा, आहा, आहा। ये यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले प्रार्थना कराए, आज ये गाड़ी ले लिए हैं। ओके ओके ओके, हालेलुया जी। पापा जी, इस चाचा का नाम जगदीश है। आहा। इस चाचा का नाम जगदीश है और 20 साल से घुटनों में दर्द करता था, जो ठीक नहीं हो पाता था, डॉक्टर इलाज किया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और यहाँ पे आई आपसे लेहन प्रार्थना करी और घुटने के दर्द अभी यीशु के नाम से जा चुका है। हालेलुया। ये बहन सुमन देवी दौनहा से, इन बहन के लड़की के पेट में काफी दर्द रहता था। हाँ। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे ले हैं प्रार्थना कराएं, आज ये बहन आजाद हो गई है। हालेलुया जी। पापा जी, इस बहन का नाम रिंकू है और 3 साल से इस बहन को बहनोई थे जो इनके जान मन नहीं करते थे और यहाँ पे आए आपसे लेहन प्रार्थना कर रहे हैं और अपने पति से प्रेम कर रहे हैं अभी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हो, खड़े हो, स्टैंड अप। अब आपका चंगाई होने का समय आ गया। हालेलुया। आजाद होना है कि नहीं? बोला होना है, ऐसा पैर झाड़ दो, पैर मारिया भगाओ, दीदारी का पैर झाड़ दो, झाड़ दो पैर को, भगाओ भगाओ। जो लोग पैर झाड़ रहे हैं वो बीमारी भगा रहे हैं। हालेलुया। जिसके पास यीशु रहता है उसके अंदर दुख और गरीबी नहीं रहता है। आपके पास यीशु है, क्या विश्वास करते यीशु है? यस, यीशु है। बोलो यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। अरे पापा पापा पर बजाओ, थोड़ा कुछ बजाओ फादर। हालेलुया, यीशु, यीशु आपको बुलाता है। कितने जानते हो कि यीशु बुलाता है? यस, यीशु के पास जो आता है वो दीन होकर आता है, दीन नरम होकर आता है, समझ रहे कि नहीं? यस। कितने लोग यीशु को बुलाने पर आते हो दीन होकर? कम कम, वो बुलाता है, वो बुलाता है सभी को, आने वाला चाहिए। बरकते लुटा रहा है, चाहते हो
यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर आइए, यीशु के दरबार में आना है कि नहीं आना है, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। जो कोई यीशु के दरबार में आता है सच्चे दिल से, जिसका सर यहोवा के सामने झुका रहता है, उसका सर कभी कोई नहीं झुका सकता है। कहता है बाइबल में लिखा है, जिसका घुटना यहोवा के सामने टिका हो उसे कोई नहीं झुका सकता है। यस आमीन। आपका घुटना किसके सामने टिकना चाहिए? यहोवा के सामने। सर किसके सामने झुकना चाहिए? परमेश्वर के सामने। यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रख लो, गीत गाते गाते अब जहाँ जहाँ दर्द है प्रॉब्लम हाथ रख लो, अभी आप आजाद हो रहे हो, मैं अभी आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। गाओ गाओ गाओ, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। पिता यीशु से प्रार्थना ही करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं लॉर्ड जी, आज वो हील हो जाए यीशु के नाम से, कमर का दर्द घुटने का दर्द यीशु समय निकल जाए, हर प्रॉब्लम हर समस्या यीशु मसीह के नाम में चले जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इस समय सर से पांव तक एक एक रोग, एक एक बीमारियां, लाचारियां, दुर्बलताएं जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु जो घर लेना चाहते उसे घर मिले, नहीं सच में मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो जमीन लेना चाहते जमीन के साथ ब्लास हो जाए, दुकान के साथ ब्लास हो जाए, बिजनेस में ब्लास हो जाए, जितने काम में हाथ लगाए सफल हो जाए यीशु के नाम में। जो तेरे दरबार में आया प्रभु वो सच में खाली नहीं जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, पेट के दर्द, किडनी के में प्रॉब्लम, सूजन, इन्फेक्शन, सांस के प्रॉब्लम, जितने भी रोग हैं यीशु मसीह के नाम निकल रही है। आमीन। सिर्फ ऐसे करो, ऐसे और ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे दुआ करो। मैं देख रहा हूँ जितने लोग अपने बॉडी पर टच कर रहे हैं हाथ को, जहां जहां हाथ टच कर रहे हो वहां से बीमारियां जा रहा है। जिसका नाम आर से, यम से, पी से, यस से, ओ से, नौ से, जितने भी नाम हैं सब बड़े बड़े लेवल पर जाओगे यीशु के नाम से। जिसका नाम आर से वो सबसे धनवान हो जाएंगे। यस स्वामी। प्रभु ब्लेस करेगा। अरे बाबा बाबा बारा बारा यीशु के दरबार में कैसे जाना है? यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार। मैं देख रहा हूँ कोई गवाही देने के लिए आ गया है, अभी अभी दर्द देख रहा हूँ, अपना दर्द चेक करते रहो, चेक करते रहो, गिल्टिया सूजन चेक करो, पेट दबा कर चेक करो, कमर को चेक करो, मैं देखता हूँ आपको हील होते हुए, चेक करो अभी अभी चेक करो। यीशु स्वर्ग से आया पृथ्वी पर किसके लिए? हमारे के लिए। ट्रैक ट्रैक चेंज करेंगे,
ट्रिक चली। हालेलुया। हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन का बहुत बड़ी गवाही है। 10 साल से पेट में दर्द करता था, 10 साल से पेट में दर्द करता था, ठीक नहीं हो पाती थी। डॉक्टर में चक्कर चक्कर लगा के थक गई थी, दवा खाते खाते थक गई थी, नहीं ठीक हो पाई। यहाँ पे आई, आपकी प्रार्थना भी रिसीव किए, अभी पेट का दर्द खत्म हो गया। हालेलुया। सुनो, मैं गाना स्टार्ट किया तभी मुझे प्रभु ने कहा जितने विश्वास करके चेक करेंगे बीमारी वो हील हो जाएंगे। अभी तो मैं दूर से प्रार्थना करता हूँ, जब सर पे हाथ रखूंगा तो और भी। पापा जी, ये 6 महीने से इनके कमर में दर्द था, घुटने में दर्द था। हाँ। और इन माता जी को उठने बैठने में काफी दिक्कत होती है। किसी को गिल्टी खत्म होते देख रहे हो, और इनके भी पेट में गिल्टी था और दर्द था। अभी अभी आप प्रार्थना के रिसीव की है और ये दर्द से और गिल्टी से आजाद हो गई है। मैं हालेलुया। जी पापा जी, अभी अपने प्रभु से क्या किसी का गलती है, गिल्टी है, खत्म हो रहा है। ए बहन ने खुद अपने मुंह से कही, भैया गिल्टी हमारा खत्म हो गया है। गिल्टी कहाँ था, कहाँ गिल्टी था, अभी क्या हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया। 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 पापा जी, इसको 5 साल से पेट में दर्द था और सूजन हुआ। छोटे बच्चे को जी 5 साल से इसको पेट में दर्द था, पेट सूज गया था। अभी अभी आप प्रार्थना किए, रिसीव किए, ये दर्द से आजाद हो गई है। लोया। हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन को 1 महीने से दांत में दर्द करता था, वो ठीक नहीं हो पाती थी। यहाँ पे आई, आपकी प्रार्थना रिसीव की है, अभी दांतों के दर्द से आजाद हो गई है। हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन को कमर में 1 साल से कमर में दर्द था और नस बैठ रहा था, और यहाँ पे आई हो तो दर्द करता था, आपकी प्रार्थना रिसीव की है, अभी ये दर्द हालेलुया। पापा जी, ये बहन कप्तानगंज से आई है, 4 साल से इनके एक बांह में दर्द था, बांह उठ नहीं रहा था। अभी अभी आप प्रार्थना किए हैं, ये बहन दर्द से आजाद हो गई है। सुनो, मैं नहीं चाहता कि आप बीमारी लेकर जाओ, मैं चाहता हूँ आज बीमारी यहीं छोड़ के जाओ, समझ रहे कि नहीं। इसलिए मैं जितना प्रार्थना आपके लिए करूंगा आपको उतने फायदा होगा, मैं जितना देर तक प्रचार करूंगा उतनी ही आपके समस्या हल होगी। आज आपको ये नहीं समझना है कि मेरे घर जाना है, आपको ये समझना है आज बीमारी को छोड़ कर जाना है, ताकि आप बार बार बीमार ना रहो। हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन को 1 साल के जबकि 1 साल से कमर में दर्द करता था, कमर में दर्द करता था, अभी आपने प्रार्थना किया, ये बच्ची रिसीव किया, अभी इसका कमर के दर्द से आजाद हो गई है। अभी कैसा लग रहा है बेटा, कैसा लग रहा है, उठ बैठ के देख, उठ बैठ के देख नीचे। तेरे से हालेलुया। हालेलुया। पापा जी, ये बहन सिसोन को ठलियों से आई है। इन बहन को 4 महीने से आंख का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन जी, और हमेशा 4 महीने से इस बहन के आंख में दर्द बना रहता था, ये दर्द से काफी परेशान रहती थी। आज ये बहन पहली बार आई है चर्च में, चर्च में आने के बाद ये रिसीव की है, रिसीव करने के बाद ये बहन दर्द से आजाद हो गई है। हालेलुया। हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन को 3 दिन से सर में और पेट में दर्द करता था, जो बहुत ही परेशान हो जाती थी। यहाँ पे आई, आपकी प्रार्थना सुनी और रिसीव किया, अभी पेट के दर्द, सर के दर्द से आजाद हो गई है। हालेलुया। जिसने औरत को पास बच्चे नहीं है, पेट में गांठे हैं, सूजन है, प्रॉब्लम है, पति में प्रॉब्लम है, तुम आप गवाही लेने आने जा रहे हो यीशु मसीह का। यस आमीन। जिसके पास बच्चा नहीं, तुम बच्चे के साथ ब्लेस होने जा रही हो, और तुम्हारे गवाही बनने जा रहा है। आमीन। जी पापा जी, इस ब्रदर को 3 साल से कमर में दर्द था, कमर के नस बैठ गया था, वो दर्द करता था, अभी आपने प्रार्थना किया, ए बहन रिसीव किया भाई, अभी ये कमर के नस के दर्द से आजाद हो गया है। ओहो, कहाँ दर्द था, कहाँ दर्द था, गोपालगंज। कहाँ से दर्द, कहाँ से था, कहाँ से, यहाँ से। अभी कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। कौन ठीक किया, यीशु ने, यीशु। हालेलुया।
कमर में दर्द था, कमर में दर्द था जो ठीक नहीं हो पाता था, यहाँ पे आई आपकी प्रार्थना रिसीव किया, अभी एक कमर के दर्द से चंग हो गई है। एक ही नाम है जो सबको ठीक करता है, क्या नाम है? यीशु, 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 यीशु। हालेलुया। हाँ जी पापा जी, इस बहन को 8 साल से गर्दन में दर्द करता था, 8 साल से गर्दन में दर्द करता था, ठीक नहीं हो पाती थी, और यहाँ पे आई आपके प्रार्थना रिसीव किए, अभी गर्दन का दर्द से चंगी हो गई है। ना सोना मांगो, ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहा। ना हीरा मांगो, ना मांगो मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहा। तो गवाई तो दिया जी पापा जी, ये ब्रदर बता रहे हैं हम लक्की सराह से आए हैं, और 3 साल से कमर में दर्द करता था, और बहुत परेशान रहते थे, दर्द रहता था, अभी यहाँ पे आए आपकी प्रार्थना रिसीव किए, अभी एक कमर के दर्द से आजाद हो गए। हालेलुया, बाकी लोग चेक करो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो किधर पापा जी, ये चाचा जी को काफी दिनों से इनके कान में दर्द हो रहा था। किधर है? किधर? सामने वाले केबिन में, बाएं साइड, इधर बाएं साइड में। ये काफी दिनों से परेशान थे, इनकी कान का दर्द जा नहीं रहा था, अभी अभी आप प्रार्थना किए, रिसीव किए हैं, ये दर्द से आजाद हो गए हैं। हालेलुया। किसने कान ठीक किया? हाँ, आजाद हो गए। कानवा के ठीक कइलो? यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जी पापा जी, ये बहन तो बहुत बड़ी गवाही है, ये बता रही है बहन की 10 साल से गर्दन में दर्द था और चक्कर आता था, 10 साल से चक्कर आता था, ठीक नहीं हो पाती थी, यहाँ पे आई आपकी प्रार्थना सुन के रिसीव किए, अभी चक्कर आना खत्म हो गया है। जल्दी कर, फास्ट कर, बड़े लोगों के लिए मैं दुआ करूं, गवाही में देर नहीं करो। एक बच्चा था, बोलता नहीं था, गूंगा था, चेक करो वो बोल रहे हैं, आवाज खुलते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया जी पापा जी, इस बहन को 1 साल से सिर में दर्द करता था और उल्टी आता था, दर्द करता था, अभी आपकी प्रार्थना सुनी और विश्वास के साथ रिसीव किया, अभी सर के दर्द उल्टी से और पेट के दर्द से आजाद हो गई। 1 महीने से पेट में दर्द करता था और यहाँ पे आई आपकी प्रार्थना रिसीव किया, अभी दर्द से चंगी हो गई है बहन। हालेलुया। हाँ हाँ, क्या हुआ? सब बोला हालेलुया, सब हाथ उठाओ, लेट हो जाएगा। अभी आपने देखा बहुत सारे लोगों को मैंने हाथ में नहीं रखा, फिर भी लोग ठीक हुए, इसका हाथ में कार्ड कम कम कम। इनके गर्दन में ये जो गांठ है, 9 महीने से ये काफी परेशान थे, दर्द से ये काफी परेशान रहते थे, इनको 9 महीने से दर्द होता था, अभी अभी आप प्रार्थना के रिसीव किए हैं, दर्द भी आराम हो गया, गांठ भी थोड़ा सा छोटा हो गया है। ओके, सब हाथ उठाओ। प्रभु, 2 साल से परेशान थी, सिर में दर्द था और कमर में दर्द था, 2 साल से दर्द था, ये बहन बहुत परेशान थी और यहाँ पे आई और आपकी प्रार्थना सुनी, रिसीव किया, अभी ये दर्द से आजाद हो गई है। हालेलुया,